नहीं नहीं दुल्हन हाँ तो लग भी तो नई नवेली दुल्हन जैसी हो तुम। सारी अब आज हमने ना राजमा कछु ज्यादा खा लियो। पूरा मूड खराब कर दिया। अरे हजम नहीं होता है तो राजमा खाते क्यों हो? अरे सुनो तो। अरे क्या सुने? ये तुम्हारी राजमा और ये तुम्हारी मूली खाने की आदत में हमारे हप्पू के अलावा और कोई संतान नहीं हुई। पहले ये खराब मत करो, बाद में होगा रोमांस। क्या पूरा मूड खराब कर दिया? अरे दादा, अम्मा, हम सोच रहे ससुराल तहीं सो जाए का? ये काय सो जाए? हैं? तेरी लुगाई ने कहा तो को कमरे से बाहर निकाल दो का? ना ना, असल में आज काय जाने कैसो छोकरिया डकारे बहुत आ रही तो तुम्हारी बहू तो ना बेदक रही भगा रही हमें। लगा लो बात। हाँ तुम भी? हम भी हपुआ डकारन से परेशान हैंगे। अम्मा सुनो, तुम्हारे पास हींग है का? हींग? अरे बेटा हींग भुनावा जीरा लहसुन घुइया सब कुछ खा लो तभी भी डकार न रुकी। और ऐसी डकार आए कि तुम्हारे डोकर है ना बेहोश है होते होते बचे। तो ऐसे में फिर अम्मा क्या करे बताओ? बात ये है बेटा, हम दोनों ना दिन भर ठूसते रहते हैं ना, मुंह पे कंट्रोल ही ना है। तो अब एक ही रास्ता बचवा, रोज रात को ना बाकिंग करो। बाकिंग ना, बाकिंग करने से ना हाजमा दुरुस्त रहेगा और पेट भी हल्को हो जाएगा। हम सोच रहे हम वहाँ वॉक करेंगे। अब भाई चले बाकिंग? और का, कल से चलेंगे अम्मा आराम से। अच्छा वो भी ठीक है, है? कल से चलेंगे। चलो अब वहीं से चलो। चलो बेनी, हम यार पहले कितना घूमने जाते थे यहाँ वहाँ, और जब से शादी हुई है तब से हम घूमने ही नहीं जा रहे, बताओ यार। अरे अब क्या घूमे, देखो मतलब घर की चार दीवारी के अंदर रोमांस करने का मजा ही कुछ और है ना, बाहर घूमने की क्या जरूरत? तुम बस पैसे बचाओ, जब भी रोमांस की बात आती है छत पे चले, किचन में चले, बगीचे में चले, ऊपर चले, नीचे चले, बस यही करते रहना जिंदगी भर। समझ सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो मेरी हालत है, मैं कहाँ सबको बताऊँ, मतलब एक भी केस नहीं मिल रहा है, पूरी हालत है, पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूँ? मुझे मालूम है मैं हूँ मनहूस, क्योंकि पता है मैं जब बचपन में किसी के घर में कोई शुभ कार्य होता था, मैं जाता था ना, तो वो शुभ कार्य भी भंड हो जाता था, बिल्कुल अपशगुन हो जाता था, खराब हो जाता था। क्या करें, हूँ इतना मनहूस कि क्या बताऊँ मैं, अब ऐसे में तो स्वयं भगवान को जो ना ऊपर से किसी दूत को। आओ देखो, टकले की फोटो देख रही हो? मैं तो लिखा हुआ देख रही हूँ, तुम देखो टकला। हाय कमलेश। हाय कैट। व्हाई, वेयर यू गोइंग यस्टरडे? मी जस्ट वेटिंग 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 इन द सनलाइट में, एंड आफ्टर दैट मी बिकमिंग ड्राई थिन रोटी। व्हाट इज ड्राई थिन रोटी कमलेश? ड्राई थिन रोटी, यू डोंट नो? ड्राई थिन रोटी मतलब पापड़। मैं धूप में तुम्हारा इंतजार करते करते पापड़ हो गया यार। मीज वेरी मच सॉरी कमलेश, एक्चुअली मी वाज बिजी वाचिंग वैम्पायर मूवी। ओह माय, यू आर वाचिंग वैम्पायर मूवी? वैम्पायर मूवी, बट व्हाई यू नॉट स्केयर्ड? ऑफ कोर्स नॉट कमलेश, मीनिंग फर्स्ट मी रीडिंग मैगजीन ऑफ वैम्पायर, देन मी वाचिंग मूवी ऑफ वैम्पायर, देन मी फॉलिंग इन लव विद वैम्पायर। ओह माय गॉड, यू आर लविंग विद द वैम्पायर? नथिंग दे आर डूइंग जस्ट wife doing with the husbands. Wife doing what with husband, Kamlesh? अरे वो ही जो सारी बीवी अपने मर्द के साथ करती है, खून चूसती है। Oh, Kamlesh, you're leaving that, but you know,
खून चूसने के लिए वो दांत, मीनिंग यू वाचिंग देयर टीथ, दे हैविंग दिस बिग टीथ एंड व्हाट स्टाइल दे हैविंग कमलेश। ओह माय गॉड, यू रियली बिग फैन ऑफ वैम्पायर की? ऑफ कोर्स कमलेश, मीनिंग मी इज तो इन लव विद वैम्पायर, बट इफ यू आल्सो नोइंग वैम्पायर ना, यू आल्सो बिकमिंग बिग 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 वाला फैन ऑफ वैम्पायर। एनीवे कमलेश, आई एम गोइंग एंड मी वाचिंग यू इन 2 आवर्स, ओके? बाय कमलेश। 2 आवर्स? बाय कैट। मनोहर, जय हिंद। अरे जिकार का तो सारे, हम तेरे जेठो ससुर लग रहे हैं कजू, हमें देख के एकदम मुंह दिखाई की जगह सारे मुंह ढकाई की रसम कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप आप सेहत के लिए हानिकारक हो रखे हो सर, आपकी डकारे कहीं मेरे होश ना डकार जाए। अरे यार मनोहर, तू तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे हाथ की जो बात है, जो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने नहीं कहा कि सब आपके हाथ में है सर, फिर? जो कुछ है वो आपके पेट में है सर, और वो मुंह के रास्ते बाहर निकल रहा है। यार तू इतना ज्ञान पेल रहो है, कौन दादी अम्मा के कछु पुराने नुस्खा हूँ या तेरे पास कछु उपाय हो तो बता यार। एक तरीका है मेरे पास, लेकिन इसमें जान का खतरा है। नहीं नहीं, आपकी नहीं सर, मेरी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। पैसों का कारण की सोच रहा हूँ। पहले तो आप खड़े हो जाइए। शाबाश, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखिए। हाँ हाँ, अब देखिए। अब आराम लगो मनोहर। हमने कही हमें आराम लगो, पर हमें ना लगो। Excuse me, madam. Oh, dear sir. क्या आप चाय और कॉफी लेंगे? वैसे हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो फिर आपने पूछा क्यों? क्योंकि वो हमारा फर्ज है। सर आ गए। इश्क। Tell me what is your problem? हाँ तो बाबा जी नमस्कार, मैं पेशे से एक हम वकील हैं। वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है, BA LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम क्या इतने ज्यादा विख्यात और सुविख्यात हैं? नहीं, हारे हुए वकीलों की शक्ल फेस बिल्कुल तुमसे ही मिलती है बाबा। वो बाबा ये ना बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन क्या पता क्या हो गया है कि केस आते हैं पर हाथ से निकल जाते हैं, तो इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको दी है ना, उसमें देख लो ना कुंडली में कहाँ दोष है, तो कुछ अच्छा हो जाए, देख लीजिए आप। ओके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ बाबा? मैंने इतनी मनहूस और इतनी घटिया कुंडली अपने जीवन में कभी भी अपने लैपटॉप पे फीड नहीं किया है, यहाँ तक कि तुम्हारी इस कुंडली के कारण मेरे लैपटॉप में वायरस घुस गया है। निकल वायरस। बाबा हम बहुत उम्मीद से आए हैं, कुछ अच्छा कर दीजिए ना, देखो अगर इधर उधर कुछ सितारे चमकने वाले हो तो डाल दीजिए। डोंट वरी बाबा, सब का हल ढूंढ लेते हैं। दुनिया में हर चीज का हल होता है, पता नहीं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। नहीं नहीं, हम करेंगे, बताइए। ओके। ये बुक ले लो। ये बुक है ब्लैक मैजिक की, यानी काला जादू। काला जादू? काला जादू? 10,000 लगेंगे। रुपए? नहीं, लीटर। 10,000 रुपए ही लगेंगे। जी जी जी, समझ गए समझ गए, रुपए।
अगर तुम लोगों ने इस किताब में लिखी विधि को फॉलो कर लिया तो समझ लो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा।